मध्य प्रदेश के शिवराज की मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड नहीं बल्कि भ्रष्टाचार कार्ड जारी होना चाहिए, यह कहना है प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा का। उन्होंने प्रदेश में अपने बयान में बीजेपी मंत्रियों को आड़े हाथों लिया है। मध्य प्रदेश में मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का ब्यौरा सार्वजनिक होना चाहिए, ये बात कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा ने उठाई है। शोभा ओझा का कहना है कि चुनावी साल में जनता के समक्ष मंत्रियों का भ्रष्टाचार आना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाते हुए रिपोर्ट कार्ड की जगह करप्शन बाहर लाने की बात कही है। देखिए, चुनाव को देखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे कराया है उसमें तमाम मंत्री इनके हारते नजर आ रहे हैं। विधायकों के खिलाफ बहुत असंतोष है जनता में और रिपोर्ट कार्ड मैन्युफैक्चर करने के लिए फिर से एक बार मुख्यमंत्री ने इन मंत्रियों को कहा है। अच्छा होगा ये मंत्री अपने डिपार्टमेंट में हुए करप्शन का जवाब जनता को दें, क्योंकि आज जनता ये सुनना चाहती है कि जो करप्शन हुआ है उसमें लाभ किसको मिला है, मंत्रियों ने उसका लाभ किन लोगों को दिया है, किन कंपनियों को दिया है, इसका जवाब देने का अभी तो समय चल रहा है। बहरहाल कांग्रेस चुनावी साल में बीजेपी पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जनता इन पर अपना रुख तय करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़ भोपाल।